नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स के बारे में। अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से पूरी तरीके से निपटा भी नहीं था कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी। इस नए वायरस की वजह से एक बार फिर से लोगों के मन में डर और भय पैदा होने लगा है। अब इस नए वायरस का हमारे जीवन शैली पर, हमारे व्यापार पर क्या असर होगा, इस नई बीमारी से कितने लोगों की जान चली जाएगी। इतना ही नहीं, इस बीमारी के नाम से लोग डरने लगे हैं। कोरोना महामारी की पहली लहर में तो लोगों को इस बीमारी के बारे में समझ में ही नहीं आया था। जब तक वे चीज़ों को समझ पाते तब तक लाखों लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बाद के दिनों में इस बीमारी से बचने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया गया और वैक्सीन भी सामने आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन यह पूरी तरीके से अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। लोगों के बीच में यह बीमारी अभी भी है। ठीक कोरोना की ही तरह अब मंकी पॉक्स के भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में अंतर क्या है, क्योंकि चिकन पॉक्स नामक बीमारी पहले से ही है, लेकिन अब उसी की तरह एक दूसरा वायरस मंकी पॉक्स हम लोगों के सामने आ गया है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में एक समान से लक्षण होने का भ्रम पैदा होता है। हालांकि इसको लेकर डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों में दोनों वायरस रोगों के लक्षणों के प्रकट होने के तरीके में अंतर होता है। डॉक्टर का कहना है कि अगर आपको लगे कि मंकी पॉक्स जैसे लक्षण हैं तो आपको तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स एक वायरस जुनोसिन यानी कि जानवरों से इंसान के बीच फैलने वाली बीमारी है। बता दें कि इसी तरह के लक्षण पहले चेचक में भी देखने को मिले हैं, लेकिन कहा गया है कि चिकित्सकीय रूप से यह एक गंभीर बीमारी नहीं है। जैसा कि मंकी पॉक्स का नाम इसे सुनने के बाद यही लगता है कि इस बीमारी का मुख्य जिम्मेदार बंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1958 में इस वायरस को एक मंकी कॉलोनी में पाया गया था, यानी कि मंकी यानी कि बंदर का एक पूरा ग्रुप था जिसमें इस बीमारी को पहली बार देखा गया, उसको समझा गया। पॉक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी बीमारी जिससे कि पिंपल जैसे रेसे होने लगते हैं, यानी कि पिंपल जो निकलता है और उसमें जो है रेसे जैसी स्थिति होती है, इसको लेकर जो है उसे हम पॉक्स कहते हैं, और उसमें फ्लूड जम जाता है। इसी तरह से चिकन पॉक्स में भी मुर्गे या फिर चिकन का कोई अहम रोल नहीं होता। इस बीमारी के नाम के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि अब इसके दाने होते हैं जो कि एक काबुली चने की तरह दिखाई देता है। अन्य कारण में यह बताया जा रहा है कि यह जो है रेसे मुर्गे के कारण होते हैं। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि बिहारी न्यूज नहीं करता है, क्योंकि हमने भी इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान इस तरह के पूरे डाटा जो है हमने प्राप्त किया है। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में यह बताया जा रहा है कि इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही वायरस में छालों के फ्लूड सी भरी होती है, इसका दर्द कम होता है। WHO की माने तो मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स के मुकाबले कम संक्रामक होता है। दोनों को अगर हम देखें तो कौन कितना घातक है, इसमें मंकी पॉक्स के तहत जो है 1 से 10% केसों में लोगों की जान गई है। अब तक की जो स्थिति है उसमें अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसमें 30% लोगों की जान गई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि भारत से स्मॉल पॉक्स अभी खत्म होने की स्थिति में है, लेकिन इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अगर ये बीमारी जैसे कि मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स एक साथ अगर हमला करें तो एक बार फिर से स्वास्थ्य संगठनों को इस तरफ सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है, नए सिरे से एक नया प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। बता दें कि मंकी पॉक्स को लेकर कोई वैक्सीन तो नहीं बनी है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एक हद तक कारगर हुई है। कहा जा रहा है कि 85% तक जो है इस बीमारी से लोगों को राहत मिली है। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों ही वायरस काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस बीमारी के फैलने के एक बड़े कारणों में इस बात का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि संक्रमित मरीज के ड्रॉपलेट्स और छालों के पस और जानवरों के मल और उनके पेशाब के संपर्क में आने से यह बीमारी ज़्यादा फैली है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा कि स्पेन और बेल्जियम में हुई रेव पार्टी के बाद से पुरुषों में यह बीमारी देखी गई है, लेकिन बाद के दिनों में यह भी देखा गया कि न तो विदेश से आए और ना ही कोई इस तरह की पार्टियों में गए होने के बावजूद भी लोगों में यह बीमारी का मामला सामने मिला है। तो ऐसे में इस पूरी मंकी पॉक्स को लेकर अभी तक जो है एक तो किसी प्रकार की कोई दवा सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स जो है एक ही फैमिलियर वायरस के ग्रुप के माने जा रहे हैं। ऐसे में
दवा को लेकर इतनी जल्दीबाजी नहीं कही जा रही, लेकिन हाँ जांच को लेकर जो है लगातार सरकारें काम कर रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।